जिंदगी में बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो कॉमन मिस्टेक हम इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं वो है मिस प्रोनंसिएशन वर्ड। कई बार कुछ वर्ड सेम कंफ्यूजिंग होते हैं, उनकी प्रोनंसिएशन बिल्कुल सेम होती है, तो हमें लगता है दोनों का मतलब सेम होगा, लेकिन इस टाइप की सो कॉल कंफ्यूजिंग प्रोनंसिएशन के मतलब कई बार अलग होते हैं। आज हम पकड़ने वाले हैं मोस्ट कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इसका इस्तेमाल ज़िंदगी में कहाँ होने वाला है। तो इसका इस्तेमाल आपके प्रोनंसिएशन, इसका इस्तेमाल आपके वोकैब, इसका इस्तेमाल आपके जो है वर्ड मीनिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कितनी सारी चीज़ों में होने वाला है। तो ये एक वीडियो है जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक बारी में ठीक करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोस्ट कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। तो मेरा नाम राहुल द्विवेदी है, मुझे आप लोग द इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने MA BEd BA कर रखा है, फ्रॉम हिंदू कॉलेज। मैं 5 साल से मुझे पढ़ने का एक्सपीरियंस है। मैं एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, करियर काउंसलर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। इसके अलावा मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैं टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विथ लॉट्स ऑफ लव। तो आप लोगों के इसी प्यार से हम स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट कॉमन कंफ्यूजिंग वर्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है आपका वो है एक्सेप्ट। तो इन दोनों की प्रोनंसिएशन जो है सेम है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, लेकिन एक एक्सेप्ट का मतलब आपके सामने टू रिसीव, और एक एक्सेप्ट का मतलब है विदाउट विथ एक्सक्लूजन, इन द सेंस इसके अलावा। तो उसे बोलते हैं एक्सेप्ट और इसको बोलते हैं एक्सेप्ट। दूसरा है आपका एडवाइस, एडवाइस। दोनों की प्रोनंसिएशन सेम है। वंस अगेन, एडवाइस यहाँ पे जो है एक नाउन है, क्या, रिकमेंडेशन, और एडवाइस एक वर्ब है जिसे बोलते हैं टू रिकमेंड, कि भैया उसने एडवाइस दिया तो रिकमेंड किया, कर रहे हैं ये, और ये क्या है, ये नाउन है आपका। उसके बाद एडवर्स, एडवर्स दोनों का मतलब होता है, सॉरी दोनों की प्रोनंसिएशन सेम है। एक एडवर्स का मतलब है अनफेवरेबल, कहना एडवर्स इफेक्ट पड़ा, और दूसरा एडवर्स इन द सेंस किसी के अपोज होना, ठीक है, एडवर्स टू दिस टॉपिक, ठीक है। अफेक्ट, अफेक्ट, तो एक अफेक्ट का मतलब होता है भैया इन्फ्लुएंस, किसी से आप इमोशनली जो है इन्फ्लुएंस, बोलते हैं अफेक्ट। इफेक्ट जब आपका कोई रिजल्ट निकलता है, इन द सेंस इसको बोलते हैं ना कारण, प्रभाव क्या पड़ा उसका, तो उसको बोलते हैं इफेक्ट, ठीक है जी। तो कॉज एक वर्ब हो गया और रिजल्ट आपका एक नाउन हो गया, ठीक है। अब इसकी जो प्रोनंसिएशन वो है एल, ठीक है, एल। तो एल इसका मतलब होता है स्पेस बिटवीन रो, दो रो के बीच में स्पेस, और इसका एल का मतलब होता है आइलैंड, ठीक है, आइलैंड, ठीक है। एल्यूड, एल्यूड का मतलब होता है भैया आप जो है टू मेक इनडायरेक्ट रेफरेंस टू, इन द सेंस किसी का इनडायरेक्ट रेफरेंस देना कि मैं उसके थ्रू आया हूँ, उसे बोलते हैं एल्यूड। एक एल्यूड का मतलब होता है अवॉइड करना, ये जिंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ की जा, अलॉयड टू नेगेटिव पीपल्स, ठीक है, तो एल्यूड बोलते हैं इसे। नेक्स्ट, एल्यूजन, एल्यूजन, ठीक है, एक एल्यूजन एक इल्यूजन है। एक एल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, मैंने आपको बताया अभी, और एक इल्यूजन इन द सेंस फॉल्स आइडिया, क्या कहते हैं ना, इल्यूजन टू रियलिटी, ठीक है, मनगढ़ंत कुछ सोच लेते हैं उसे बोलते हैं इल्यूजन। नेक्स्ट, एल्यूड, एल्यूड हमने दोबारा कर लिया, क्या एल्यूड, एल्यूड, अच्छा थोड़ा गलती से इधर कर दिया। ऑलरेडी, ऑलरेडी एक होता है ऑलरेडी, ठीक है, बाय दिस टाइम, कि भी ऑलरेडी डन, ठीक है। एक ऑलरेडी इन द सेंस सब कुछ, सब प्रिपेयर है, नहीं है ऑलरेडी, ठीक है, तो वाला है। एक ऑल राइट, एक ऑल राइट, ऑल राइट इन द सेंस ओके, ऑल राइट इन द सेंस सब कुछ सही है। नेक्स्ट, अल्टर, अल्टर, ठीक है, एक अल्टर होता है इन द सेंस प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेस, ठीक है, एक जगह होता है जहाँ पे जो है एक प्लेटफॉर्म है, एक जगह है, ठीक है, डरावनी सी, ठीक है। दूसरा है आपका अल्टर, अल्टर मतलब होता है चेंज, किसी चीज़ को चेंज करना है ना, अल्टर के शर्ट आया, इन द सेंस शर्ट में कुछ अल्टर है, इन द सेंस शर्ट को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, ठीक है, इन द सेंस सब एक साथ, और ये इसका मतलब है वही है, सब एक साथ एक जगह पे। अलॉट, अलॉट, ठीक है, अलॉट इन द सेंस क्वांटिटी की बात हो रही है, बहुत सारी क्वांटिटी, अलॉट ऑफ टाइम, ठीक है। अलॉट इन द सेंस किसी चीज़ को कोई चीज़ देना, कोई डिवाइड करना, पार्टीशन करना, जिसे बोलते हैं अलॉट करना, कहते हैं एक अपार्टमेंट अलॉट हुआ है। नेक्स्ट, एंगल, एंगल, ठीक है, एक होता है सुपर नेचुरल बींग, ठीक है, एक एंजल होता है, सॉरी, ठीक है, एक एंजल है, गुड पर्सन है, और एक एंगल है, इन द सेंस शेप, ठीक है, दो जॉइंट्स को जोड़ता है उसे बोलते हैं एंगल, एक होता है एंजल। नेक्स्ट, आर, आर, अब देखो एक प्रोनंसिएशन है टू बी का, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है, और एक इन द सेंस हम सब लोग, माई का हमारा प्लूरल फॉर्म अवर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे असेंट, 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 ठीक है, एक असेंट जो है क्या है, प्रोनंसिएशन कॉमन ऑफ रीजन, ठीक है, कहना ना कि इसकी एक्सेंट क्या है, ठीक है, तो उसकी जो है इंग्लिश एक्सेंट है, कैसी एक्सेंट है। दूसरा, असेंट, असेंट इन द सेंस टू एक्ट ऑफ राइजिंग और क्लाइमिंग, कहते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंट होता है उसे। असेंट, असेंट इन द सेंस के भैया एग्रीमेंट, ठीक है, असाइनमेंट जिसे बताया कि एक असाइनमेंट मिला है मुझे, एक एग्रीमेंट मिला है। नेक्स्ट, असिस्टेंस, हेल्प करना, असिस्टेंट, हेल्पर, ठीक है, एक होता है असिस्टेंस, एक होता है असिस्टेंट, असिस्टेंट एक नाउन हो गया, पर्सन हो गया ये, ठीक है, और एक वर्ब हो गया वो। नेक्स्ट, बेयर, बियर, ठीक है, बेयर इन द सेंस न्यूड होता है, और दूसरा बियर इन द सेंस कोई चीज़ को कैरी करना, और एक एनिमल भी होता है बियर एनिमल, ठीक है। बिसाइड, बिसाइडर्स, बिसाइड इन द सेंस टू क्लोज टू, नेक्स्ट टू, बगल में, ठीक है, बिसाइड इन द सेंस एक्सेप्ट फॉर, इसके अलावा, इन एडिशन टू, ठीक है। नेक्स्ट, बोर, बोर एक होता है वाइल्ड मेल पिक,
मेल पिग जो जंगली सुअर होता है उसे बोलते हैं बोर, और दूसरा होता है बोर जो आप बोर होते हो जिंदगी में कई बार, क्या कुछ भी नहीं है ठीक है। एक बोर ड्रिल भी होता है, छेद करना होता है ठीक है जी। बोर्ड बोर्ड पीस ऑफ वुड को भी बोलते हैं, और बोर्ड इन द सेंस इन इंटरेस्टेड भी होता है। नेक्स्ट बॉर्न ब्रोन ठीक है, तो बॉर्न इन द सेंस ब्राउट इन टू लाइफ ठीक है। दूसरा है बोन पास्ट पास्ट पर्सपल्स ऑफ टू बी, हाँ सेम चीज़ है, किसी को कैरी करने को बोलते हैं ब्रोन ठीक है जी। नेक्स्ट ब्रीथ, ब्रीथ एक ब्रीथ होता है भैया सांस लेना ठीक है, और एक वर्ब है एक नाउन है। नेक्स्ट ब्रेक, ब्रेक ठीक है एक डिवाइस इन टू द स्टॉपिंग ठीक है, होता है स्पीड ब्रेकर जो होता है, एक ब्रेक होता है, एक ब्रेक इन द सेंस किस चीज़ को डिस्ट्रॉय करना तोड़ना। बाय बाय एक बाय खरीदना होता है, एक बाय इन द सेंस नेक्स्ट टू होता है। नेक्स्ट कैनवा, कैनवास ठीक है, कैनवास कैनवास एक देखो कैनवास एक तो क्लॉथ भी होता है ठीक है, उसके बाद एक कैनवास होता है इन द सेंस सर्वे करना है किसी चीज़ का, किसी चीज़ को चिंतन करना। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल कैपिटल इन सेंस मेजर सिटी, कैपिटल इन सेंस गवर्नमेंट बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग को कैपिटल बोलते हैं रखना ठीक है, इवन व्हाइट हाउस को भी कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट चूज, चूज एक चूज होता है पिक, और एक चूज होता है इन द सेंस पास्ट टेंस ठीक है, उसका चूज का पास्ट टेंस। नेक्स्ट क्लॉथ्स, क्लॉथ्स एक गारमेंट्स होता है, और एक पीस ऑफ फैब्रिक इन द सेंस क्लॉथ ठीक है, क्लॉथ इन द सेंस पीस ऑफ फैब्रिक, और एक क्लॉथ्स कपड़े। नेक्स्ट कोर्स, कोर्स एक कोर्स होता है रफ, एक होता है कोर्स इन द सेंस पाथ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, आप हमारा कोर्स ले रहे हो ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट समथिंग दैट कंप्लीट, कॉम्प्लीमेंट इन द सेंस फेस और फ्लैटरी ठीक है। इन द सेंस अब देखो सबसे पहला क्या एक होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया, इन द सेंस एक के साथ एक मिल गया ठीक है, तो जो उसके साथ मिला उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट समथिंग दैट कंप्लीट्स। दूसरा कॉम्प्लीमेंट प्रेज, किस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट देना, यार तुमने बहुत अच्छा किया काम किया यार। दूसरा कंटिन्यूस विदाउट एनी स्टॉपिंग, कंटिन्यूसली कर रहा है, और एक कंटिन्यू होता है कंटिन्यूस रिपीटेड विद ब्रेक, क्या आप करते रहे एक, ये ज़्यादातर यूज होता है स्पोर्ट्स में ठीक है, तो इन द सेंस एक ऐसा ट्रेनिंग जो रुक रुक के हो उसे बोलते हैं कंटिन्यूअल स्पीड, कंटिन्यूअल ट्रेनिंग ठीक है। नेक्स्ट कॉन्साइंस, कॉन्साइंस कॉन्शियस, कॉन्साइंस इन द सेंस सेंस ऑफ मोरालिटी जिसे हम बोलते हैं नैतिकता का सेंस होना, और दूसरा जो होता है कॉन्शियस इन द सेंस अवेक अवेयर होना। कॉर्प्स, कॉर्प्स एक होता है रेगुलेटेड ग्रुप ठीक है, जो ग्रुप किसी को रेगुलेट करो। दूसरा डेड बॉडी हमने पढ़ा होगा आन जेनिफर्स टाइगर में, क्रॉप्स ऑफ डेड बॉडी। काउंसिल, काउंसिल गवर्निंग बॉडीज कॉल काउंसिल, काउंसिल इन द सेंस एडवाइस करना किसी को, काउंसिलिंग करना। नेक्स्ट डेयरी, डेयरी एक होता है भैया मिल्क प्रोडक्ट, हम लोग कहते हैं मदर डेयरी ठीक है, डेयरी इन द सेंस पर्सनल जर्नल अपने बारे में लिख रहा है ठीक है डायरी में। नेक्स्ट डिसइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड इन द सेंस कि भैया न्यूट्रल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जो करना कर लो, अनइंटरेस्टेड इन द सेंस उस बंदे में इंटरेस्ट नहीं है उसको। नेक्स्ट डिसेंट, डिसेंट एक होता है डाउनवर्ड होता है असेंडिंग डिसेंडिंग, तो डिसेंट ठीक है, डिसेंट इन द सेंस डिसएग्रीमेंट, इसी का असेंट पढ़ा था हमने, एग्रीमेंट पढ़ा था। नेक्स्ट डेजर्ट, डिजर्ट एक होता है स्वीट कोर्स ऑफ मील, डिजर्ट एक डेजर्ट, डेजर्ट इन द सेंस मील, और डिजर्ट इन द सेंस आपका रेगिस्तान। नेक्स्ट डिवाइस, डिवाइस अ प्लान टू टूल ऑफ अनस्ट्रेन ओवेचीज, डिवाइस होता है औजार, डिवाइस इन द सेंस क्रिएट करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मॉडेस्ट ठीक है बिहेवियर को बोलते हैं डिस्क्रीट बिहेवियर, डिस्क्रीट सेपरेट होता है, डिस्क्रीट सीरीज भी आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में स्टेट्स में। डू, ड्यू और ड्यू ठीक है, डू इन द सेंस कोई चीज़ करना सिंपल सिंपल है, ड्यू इन द सेंस ड्यू वाटर ड्रॉपलेस कॉन्सेप्ट ठीक है, वही चीज हवा से जो है एक होता है ना जैसे आपने ड्यू यूज़ किया होगा माउंटेन ड्यू वाला भी, एक ड्यू यूज़ किया होगा परफ्यूम वाला भी, तो देखो ड्यू में दोनों में क्या होता है, दोनों में वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं हवा में ठीक है, दोनों का मतलब वही होता है ठीक है, माउंटेन ड्यू में भी वही ड्यू था ठीक है, आपने देखा उसमें बूंदे होती हैं कुछ जो हवा के कण मिले होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस वो स्प्रे वाला ड्यू जैसे रहेगा। ड्यू इन द सेंस कोई चीज़ बच जाना, रिजल्ट बच जाना एज रिजल्ट ऑफ उसके वजह से। डोमिनेंट, डोमिनेट ठीक है, डोमिनेंट इन द सेंस किसी पे कमांड करना, डोमिनेट कंट्रोल करना सेम चीज़ है। डाय, डाय ठीक है अपनी लाइफ में मर जाना ठीक है, डाई इन द सेंस टू चेंज और एड कलर ठीक है, करना डाइनिंग करना इन द सेंस कलर डाई कर देते हैं, ब्लैक कलर से वाइट कलर कर देते हैं, वाइट से ब्लैक ज़्यादा अच्छा होगा हाँ, चेंज और एवरी सेम चीज़ है दोनों का मतलब। दूसरा है एलाइट दैट इज एलिसिट, एलिसिट इसका मतलब होता है टू ड्रॉ आउट कहीं से बाहर निकलना, और एक होता है इनलीगल काम ठीक है। एमिनेंट, एमिनेंट एक होता है प्रोमिनेंट, और एक होता है अबाउट टू हैपन, कोई चीज़ हुआ है उसको बोलते हैं एमिनेंट ठीक है, तुरंत हो गया। इमिग्रेट, माइग्रेट, इमाइग्रेट, इमाइग्रेट ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना और किसी कंट्री में आना उसे बोलते हैं इमाइग्रेट, तो आई एम से रखना एंट्री करना ठीक है, उसका मतलब होता है जाना छोड़ना। दूसरा एनवलप, एनवलप एनवलप एक वर्ब है सराउंडेड उसके आसपास, एनवलप इन द सेंस कंटेनर जिसमें हम कोई चीज़ रखते हैं लेटर ना एनवलप। नेक्स्ट एनश्योर, एश्योर, इंश्योर ठीक, अरे सॉरी कहाँ भग गया है,
इंश्योर इन सेंस टू मेक श्योर बाय डबल चेकिंग इंश्योर कर लेना, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन गारंटी देना और इंश्योर इन सेंस प्रोवाइड करना है इंश्योरेंस देना, ठीक है जी। कि भैया आपका क्लाइंट का एग्जाम जो है 100% हम लोग जो है आपका क्रैक करा देंगे, ये हमारा ये प्लेज है, हमारा जो है एश्योरेंस है। और आप सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और थैंक यू सो मच, अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक कीजिएगा। और ये क्या है भैया, ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, जाओ उसको स्कैन करो और फ्री में स्कॉलरशिप दो, जो होने वाला है जून 18 को 2 बजे, ठीक है जी। और बस देख लो भैया क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या चीज़ होने वाली है, ठीक है। और बस दैट्स इट है भैया। ये क्या है भैया, ये भी आपका टेस्ट सीरीज कैलेंडर है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आपके काम आएगा। कब कब क्या 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 है देख लो एक बार इसको भी। हमारे बेहतरीन बेहतरीन टीचर्स, ओए होए होए होए, इनसे आप पढ़ सकते हैं भैया। ये बायलिंगुअल पढ़ाते हैं आपको क्लैट मिशन बैच 2025 का। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप को प्रणाम करो, टिल डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय।